हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार, मेरी एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो ये मेरे पास है पोर्टुल्ला का पौधा बोलते हैं, जिसे हमारी भाषा में इसे दस बजिया बोलते हैं। तो इस पौधे में एक पोट है ये मेरे पास, इसमें पीले कलर की पहले से ही लग रहा था ये पोर्टुल्ला का पौधा। इसमें मैं सफ़ेद और गुलाबी कलर के और लगाऊँगा। इसमें आप भी लगा सकते हैं, एक गमले में कई तरह के पौधे हो जाते हैं, अलग अलग फूल खिलेंगे इसके, बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों। ये बात करूँ इसकी केयर की, तो इसमें इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। देखभाल के लिए अगर इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र घेरना है तो आपको बराबर बराबर मात्रा में, जो घर पर यूज करते हैं चूल्हे की राख और चाय पत्ती मिक्स कर कर घेर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा पानी लगा दें उससे भी ये ख़राब नहीं होता, बाकी नॉर्मली पानी घेरें। और अलग अलग कलर के फूल आते हैं इस पर, बहुत ही अच्छा लगता है ये पौधा जो है। ये मेरे पास देख रहे हैं दूसरा जो गमला है, इसमें मैंने लगा रखा था ये, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने पहले लगाया। एक महीने में कितनी ग्रोथ करी है दोस्तों इसने, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। केयर की बात करें तो नाममात्र देखभाल में पौधा हो जाता है ये, बहुत ही सुंदर फूल हैं इसके। और आपने देखा भी होगा, ये कहीं भी लगा दो इसको वैसे भी हो जाता है। इसकी तो बस टहनी लगा दो तोड़ के हो जाती, नर्सरी से लेने जाएंगे तो 10 से 15 या 20 रुपए में आपको पौधा मिल जाएगा। और मैं मेरे गमले में अच्छे तरीके से लगा दूंगा, जगह खाली नहीं छोड़ूंगा, सारी भर दूंगा, क्योंकि जब इस पर बाद में फ्लावरिंग होगी, फूल आएंगे, तो ये पूरा गमला भर जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी तो मैंने लगा दिया, इसके बाद में ये थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, 10 से 15 दिन बाद मैं इसको गमले को धोकर साफ़ करके इस पर जो भी मेरे को अच्छा लगेगा उस कलर का पेंट कर दूंगा, और बहुत ही अच्छे फूल आएंगे इस पर। और हमारा पौधा लगकर हो चुका है तैयार। ये देखिए पहले जो लगाया कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, और ये भी मैंने लगा दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।